This movie is encoded by Dr. Star. मैं 32nd टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लूट मार में संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा हूं। मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। ये क्या? का एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ओवर एंड आउट। चीफ, बुलाने के लिए थैंक्स। एजेंट पॉलक, वो नंबर चेक करो, शायद ये उसी किलर का काम है। बताइए क्या हुआ? वो ऑफिसर एक आदमी के पीछे इस सुरंग में घुसा, गोलियां चली और जब हमारे आदमी यहां पहुंचे तो उन्हें ये मिला। बाकी का कहाँ है? यही सबसे बड़ा सवाल है। एजेंट मैट पॉलक, FBI, हमारी डिप्टी मेडिकल एग्जामिनर एंड्रिया कार्टिस। हाय। मैंने ट्रैक्स के दोनों तरफ 30 यार्ड्स तक यूवीज डाले पर खून का नामो निशान नहीं मिला। आप उस सीरियल किलर के पीछे हैं? जी हाँ। पर ये किलर का काम नहीं है, ये उसका स्टाइल नहीं है। मेरे किलर का काम साफ होता है और ये कुछ ज्यादा ही गंदा है। लगता है जैसे किसी ने इसे फाड़ दिया हो। ये क्या है? अभी बता नहीं सकती, लैब भेजने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही पता चले मुझे खबर करना। हाँ जरूर, मैं फ्रैंकलिन के ऑफिसर से बाद में मिलता हूँ। थैंक्स। मैट, मैट। हाँ। सॉरी इसके लिए तुम्हें यहां बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं चीफ, कुछ हफ्तों से ऐसा ही चल रहा है, दरिंदे कहेंगे। मैं इसका मॉडस ऑपरेंडी चेक करवाता हूं और आप लोग भी वही करना। जरूर, ये सब
ये सब सील करके रखो, चार घंटों के अंदर इसे साफ करना पड़ेगा। बहुत सारे वीआईपीज को इनवाइट किया गया है, सुरंग का काम लगभग पूरा हुआ है और पेट्रोनोविच को इसका दिखावा करना है। वीआईपीज को जानते हो ना, रईस जादे, पॉलिटिशियंस। हाँ, मेरे पसंदीदा लोग हैं। थैंक्स चीफ, मिलते हैं मैम। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। यही होना बाकी रह गया था। अब मैं अपने 6 मॉल्स के परमिट की चिंता करूं जिसका काम रुका हुआ है, या मेरी सुरंग में मरे हुए उस पुलिस वाले? सर, परमिट एप्लीकेशंस भेज दिए हैं और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। रही बात सुरंग के हादसे की, तो आपको उस वीआईपी टूर को पोस्टपोन करना चाहिए जब तक ये पूरा मामला मिट ना जाए। पोस्टपोन करना चाहिए? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ डेव, कि बिजनेस कैसे चलता है। देखो, जैसे जंग में होता है, जब तुम करोड़ों अरबों की कंपनी चलाते हो तो ऐसे छोटे मोटे हादसे होना बहुत ही आम बात है। कभी कभी रास्ते में कांटे आ जाते हैं, तो उन्हें निकालकर फेंकना जरूरी होता है। सर सुनो, उस ऑफिसर के साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे दुख है सचमुच कि वो हुआ भी तो मेरे सुरंग में हुआ। देखो डेव, कभी कभी बुरी पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी होती है। स्टेशन 9 के प्लान्स कहाँ हैं? डॉक्टर फ्रैंकलिन, क्या मिला आपको? टिश्यूज का काफी नुकसान हुआ है, उनको बीचों बीच काटा गया है, काफी हड्डियां टूटी हुई हैं। जिसने भी ये किया है उसके पास कोई तेज हथियार होगा। अब देख रहे हैं, पैरों में कुछ भी बचा नहीं है। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डियां हैं, पर देखिए इन्हें कैसे काटा गया है। इसमें न किसी चीज के टुकड़े हैं, न यह कुचला हुआ है। मैंने इस कदर नुकसान पहुंचाने वाले किसी इंसान को ही क्या, जानवर को भी नहीं देखा। शायद कोई मशीन या औजार हो। तो मेटल का सुराग पीछे रहता है, हाई डेंसिटी प्लास्टिक भी सुराग पीछे छोड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है सिवाय इसके, एंड्रिया को मिला हुआ फ्लूइड। ये है क्या? टिश्यूज का नुकसान देखते हुए मुझे ये एसिड लगा था, पर कुछ टेस्ट करने के बाद पता चला कि यह प्रोटीन्स का मिश्रण है। अच्छा, मतलब? मतलब ये एक एंजाइम है। इसमें ऐसे घटक हैं जो कुछ कीड़ों में पाए जाते हैं, पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। मैं पहचान नहीं पा रहा। इस तरह का एंजाइम क्या कर सकता है, होता किस लिए? ज्यादातर खाना पचाने के लिए, इंसानों की लार की तरह, पर यह तुरंत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इसका सैंपल यूनिवर्सिटी के CDC कंसल्टेंट के पास भेजना चाहूंगा। आप डॉक्टर फॉस्टर को जानते हैं? एमिली फॉस्टर, वो एंटोमोलॉजिस्ट। हाँ, जानता हूँ, हमने पहले साथ काम किया है। मैं उन्हें कॉल करके देखता हूँ अगर वो ये कर सकती हैं। सुनिए डॉक्टर, मैं ही लेके जाता हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। थैंक्स। हेलो मैट, हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? विस्लर जा रही हूँ, वीकेंड बिताने। स्कीइंग? हाँ हाँ, सही कहा, मुझे स्कीइंग बहुत पसंद है। मुझे लगा ही था। तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता था कि तुम इसे चेक करो, एक शव के शरीर में ये फ्लूइड मिला है। तो इसमें CDC की क्या जरूरत पड़ गई? लैब में कुछ पता नहीं चला और फ्रैंकलिन ने कहा कि तुम बता सकती हो। ग्रेट, फ्रिज में रख दो, वापस आने के बाद देख लेती हूँ। अगर तुम अभी देख लेती तो अच्छा होता। नहीं मैट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। शायद तुम इसे अभी देखना चाहोगी। ये कुछ तेज धार वाली चीज से हुआ है। देखो, पैर की हड्डी पर उसके निशान हैं। इन पैरों को बीच में से काटा गया है। किसी भालू का क्या लगता है ना? जैसे किसी ने उसे खाया हो। खाया हो?
देखो, यहां, यहां और यहां मैंने ऐसे घाव पहले भी देखे हैं। मुझे कागज चाहिए। उसके शरीर पर देखे गए घाव और एक्सरे पर देखे गए निशान से उसके जबड़े कुछ ऐसे होंगे। ये किसी कीड़े के पैर लगते हैं ना, बस हजार गुना बड़े हैं। समझ गया, स्पेस के कीड़े। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एंजाइम्स तो कीड़े के ही है ना, और उसकी मात्रा को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे ये किसी 80 किलो के कीड़े के हैं। वो बहुत बड़ा होगा। एमिली, ये बकवास है। ये बकवास नहीं है। कुछ कुछ साल बाद कोई नई या पुरानी प्रजाति जो हम सोचते हैं लुप्त हो गई कहीं से आ जाती है। पिछले साल नॉर्वे में एक समुद्री स्क्विड का 20 फुट का पैर किनारे पर पाया गया। उसकी जांच से पता चला कि वो 125 फुट से भी लंबा था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी प्रजाति मौजूद है। हमने उसे नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं। तुमने कहा हमला नए सबवे स्टेशन पर हुआ ना? बिल्कुल ठीक। हमें वहां जाना होगा। अगर मेरा शक सही है तो उस चीज को वहीं खत्म करना होगा। और तुम्हारी विस्लर की ट्रिप का क्या? अब तक तो यही हूं। लिम्बेक को कॉल करता हूं। सबका स्वागत है। मेरा नाम है जैक बॉल। मैं पेट्रोनोविच एंटरप्राइजेस में वाइस प्रेसिडेंट हूं। यहां पर आने के लिए शुक्रिया। आज माउंट एरी शहर की गहराइयों से जाने वाले एक आधुनिक सिस्टम में सवारी करने वाले आप पहले लोग हैं। ये दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है। क्या बात है? हमने सोचा नहीं था यह बन पाएगी, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि हमने विक्टर पेट्रोनोविच और पेट्रोनोविच एंटरप्राइजेस की वजह से आधा रास्ता पार कर लिया है। किसी को कोई सवाल है? हाँ, काम पूरा होने के बाद यहाँ से पोर्ट्सबेरी जाने तक कितना समय लगेगा? काम पूरा होने के बाद 45 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। आज की तारीख में लगने वाले 3 घंटों से काफी तेज। इसका मतलब ज्यादा कारोबार, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा पैसा। तो ट्रैक कितना लंबा है? पूरा फासला एक छोर से दूसरे छोर 38 मील का है, लेकिन आज हम सिर्फ पूरे 19 मील तय करेंगे। ओह नो, तुम भी ना जैक। हमारे चीफ इंजीनियर डिजाइनर मिस्टर योकोटो भी हमारे साथ हैं। उन्हें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। एंजॉय। और वो निकल पड़े। एक बार स्टीवर्ट आज सवारी कर लें, फिर स्टेशन 5 और 6 का काम शुरू करने की परमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, चीफ लेम्बेक, एजेंट पोलक और सीडीसी से एमिली फॉस्टर आपसे मिलने आए हैं। थैंक यू हैल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। वापस जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में हैं, पहाड़ के लगभग 2 मील नीचे और शहर से 19 मील दूर। तुमने देखा वो? क्या देखा? मैंने अभी अभी कुछ हिलता हुआ देखा। जी, वो तो बस हैलोजन लाइट्स की परछाइयां हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं, वो परछाई नहीं थी। क्या हो रहा है? देखो क्या किया तुमने, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। हाँ, पर मिस्टर पेट्रोनोविच, हमें सुरंग बंद करके एक टीम को वहाँ भेजकर देखना होगा कि वहाँ क्या है। सर, ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होने की संभावना है। संभावना है? मैं इस सुरंग पर करोड़ों रुपए और इतने साल खर्च कर चुका हूँ, और तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सब पर पानी फेर दूं? एक ऑफिसर मर चुका है। इस बात का मुझे भी अफसोस है, पर इस वक्त वहां ट्रेन भर के इन्वेस्टर्स हैं जो लौटने पर वहां स्वॉट टीम को देखकर खुश नहीं होंगे। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हो। सबूत से लगता है कि जानकारी के लिए बता दूं कि वहां 2 साल से लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अगर वाकई वहां कोई खतरा होता
तो अब तक उन्हें दिख चुका होता। आपके पास इस सैंपल को छोड़ के और कोई सबूत है डॉक्टर? हम वहां कुछ ही देर के लिए बहुत होशियारी से जाएंगे। अगर आपके बिजनेस के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा तो वो है एक और हादसा। फेडरल ऑफिसर्स ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे उनका साथ देना होगा। वाह, आपकी सीधी बात मुझे अच्छी लगी एजेंट पॉलक, और मुझे पता है कि मुझे फेडरल इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बस मेरे इन्वेस्टर्स बाहर आ जाए, फिर आप अपना काम कीजिए। हम एक टीम वहां भेजेंगे और वो आपके सारे दोस्तों को सही सलामत वापस ले आएंगे। गुड डे। रेनॉल्ड से बात करवाओ। यस सर। सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी है दोस्तों, रिलैक्स। मैंने ऐसा ही सोचा था। हाँ, हम वहां फिर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वहां मिलते हैं। कुछ ज्यादा ही भले आदमी है। काश मैं कह पाता कि वो दूध का धुला है। ये तुम क्या कह रहे हो? अब ये क्या हो रहा है? क्या मतलब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है? हत्याकांड हुआ है सर, सब मर चुके हैं, सब मरे। शांत हो जाओ। जैक बॉल कहाँ है? आपने सुना नहीं, सब मर चुके हैं। मैं सीडीसी को खबर कर रही हूँ। उतना वक्त नहीं है सर, मुझे आपकी स्वॉट टीम चाहिए। ठीक है, बेंटन की टीम तैयार है। हमें पता नहीं वहाँ क्या है, तो आपके पास जो भी है दीजिए। जो चाहिए मिलेगा। लाइट्स, हमें लाइट्स चाहिए। वो जो भी है अंधेरे में रहता आया है, लाइट्स हमारे फायदे के होंगे। और ट्रेन का क्या? काफी बड़ा हिस्सा छान मारना है। एक सर्वेयर कार है। तुम बीच में मत आओ डेव। ट्रेन के बारे में बताओ। उसमें सारा जरूरी सामान है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्लोज सर्किट वीडियो है। बढ़िया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं डेव रेनॉल्ड्स हूँ। वो टनल मैंने ही बनाया है, मैं उसे अच्छी तरह लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम ये ट्रेन चला सकते हो? हाँ चला सकता हूँ। तो चलो निकल। चलो। मिस्टर पेट्रोनोविच, आपको जैक बॉल के घर का नंबर चाहिए? क्या करूँ मैं उसका? ताकि आप उनकी बीवी को खबर कर सके। आओ जरा मेरी मदद करो। यहाँ रख दो। हाँ बस 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 वही। बेंटन। हाय, हमें खबर मिली। क्या ये सब सच है मैट? हाँ मुझे अफसोस है। विश्वास नहीं होता, यही सुनना बाकी था। ऑफिसर बेंटन, स्वॉट लीडर। एमिली फॉस्टर, सीडीसी फील्ड सुपरवाइजर। ये हमारे साथ आएगी। गार्सिया, एक और जैकेट। ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये भारी होता है, आदत हो जाएगी। ये तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। तो क्या तुमने वो ट्रेन देखी? नहीं। आओ दिखाता हूँ। टाइटेनियम कंस्ट्रक्शन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती है। और बाहर की तरफ हमने तेज लाइट्स डाली हैं, जैसा आप चाहते थे। तुम रेनॉल्ड से मिल चुके हो? ये इसे चलाने वाला है, सुरंग को इससे अच्छा कोई नहीं जानता। अच्छा, वैसे ये कितना गहरा है?
हम कमांड सेंटर के साथ रेडियो कांटेक्ट बनाए रख सकेंगे। ट्रैक 19 मील लंबा है और सबसे गहरी जगह पर करीब 2 मील जमीन के नीचे है, तो रेडियो से संपर्क हो सकता है पर टनल के अंदर ही, बाहर वालों से नहीं हो सकता। पर इसमें एक खास कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पटरी को एंटीना की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, हम चल सकते हैं। सबसे बात करते हैं। ठीक है। तुम डर नहीं रहे हो ना? इसमें डरने की क्या बात है? ध्यान दीजिए, ये एजेंट पोलक है FBI से। इस मिशन पर हमारे स्पेशल एडवाइजर होंगे। आप लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे और मैं इन्हें। हम जिसका सामना करने जा रहे हैं उसे हमने पहले कभी नहीं देखा। हम उसे कमजोर नहीं समझ सकते हैं। हमें इतना पता है कि वो आक्रामक है, तेज है और ताकतवर। ये डॉक्टर एमिली फॉस्टर CDC से। उस चीज पर नियंत्रण लाने की जिम्मेदारी इन पर है, तो इनकी बात ध्यान से सुनो। सबूत के आधार पर मैं इस चीज का हुलिया बता सकती हूँ। ये 2 से 3 मीटर लंबा है और ये या तो एक कीड़ा है या रेंगने वाला प्राणी है। बहुत ही तेज दौड़ता है। हम जानते हैं वो ताकतवर है क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील का 1 इंच का टुकड़ा आसानी से काट सकता है। इसलिए बहुत होशियार रहना। किसी को कोई सवाल है? हमारा मिशन है इस चीज को ढूंढना और खत्म करना। किसी भी हालत में वो जमीन के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए? यस सर। तो शुरू करते हैं। चलो। थोड़ा धीमे चलो। ठीक है। तुम लोग ग्रीन टिप आर्मर पेरसिंग गोलियां इस्तेमाल करोगे। उस छोटे से पिल्ले के लिए इसकी क्या जरूरत है? इतने गोले बारूद के साथ तो जंग लड़ी जा सकती है। ये सब एक कीड़े के लिए। फालतू में वक्त बिगाड़ रहे हैं। तुमने उस औरत की बात सुनी ना? एक जानवर जिसकी रफ्तार हमारी समझ के बाहर है। उसने आज 1 डज़न लोगों को मारा है। इस काम में मैंने एक ही चीज सीखी है, दुश्मन को कमजोर मत समझना। सही कहा आपने। रेनॉल्ड्स, तुम्हारे इस मशीन का जवाब नहीं है। हाँ, यहाँ पत्थर धंसने से 2 आदमी मर गए, तो इसे खास तौर पर बनवाया गया है। इसमें सब कुछ है, पावर सप्लाई, ऑक्सीजन, खाना, बाकी सामान, ताकि जो भी यहाँ फंसा हो कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सके। पेट्रोनोविच को इतनी परवाह है? परवाह नहीं है, हमें गवा कर उसका नुकसान होता। वैसे उसने टैक्स से खर्चा निकाल लिया है। हाँ, तभी मैं सोचूं। मैं चाहता हूँ तुम ट्रेन में ही रहो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत करो, मैं भी इन सबके जितनी ही काबिल हूं। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो उन्हें ऊपर शक हो जाएगा। सुनो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। सुनो, ये क्या है? ये बाईपास है, स्टेजिंग एरिया की ओर जाने वाला, जहां कंस्ट्रक्शन का सामान रखा है। वो क्या था? धीमे कर दो। क्या है वहां? पता नहीं, मैंने परछाइयों में कुछ हिलता देखा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर एक बार देख कर आते हैं। चलो। वो क्या है? इस ट्रेन का फ्यूल भरने का स्टेशन, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना।
बेंटन, प्लान क्या है? मैं 8 लोगों की टीम लेकर उतर रहा हूँ। ठीक है। रायली, पोर्टर, कोहन, योहानसन, ग्रीन, हाउसन, लू, गार्सिया, बर्गस्टीन और मैनिंग, तुम लोग यहीं रुककर सुरक्षा कवच बनाओ। अपने अपने रेडियो चैनल 4 पर रखो। चलो। पहली टीम नीचे रहो, दूसरी टीम लाइट सामने की तरफ रखो, वीडियो फीड देखे बिना वहां जाना अकलमंदी का काम नहीं होगा। यह बेंटन का फैसला है, अगर वो संभाल नहीं पाता तो जाता ही नहीं। हम सुरंग में एक मोड़ पर पहुंचे हैं, शायद ये 8-9 यार्ड आगे तक जाता है। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो। सर, मैट, हमें सुरंग के अंत में एक बिल मिला है, लगभग 16 इंच का डायमीटर होगा। हम देखते हैं इसमें क्या है। एनवीजी पहन लो। नाइट विजन में भी कुछ नजर नहीं आ रहा सर। हाउसन, जाओ चेक करो। कीड़े ठंडी चमड़ी वाले होते हैं, थर्मल से काम नहीं होने वाला। वो जो फ्यूल सेल है उसमें गर्मी होती है? वो ठंडा ही होगा, कभी गर्म नहीं होता। उन्हें रुकने के लिए कहो। तुम सोच क्या रही हो? हम अंधेरी गीली सुरंग में हैं। ये कीड़े यहाँ पलते हैं, हम उन्हें देख भी नहीं सकते। थर्मल में भी कुछ नहीं दिखा सर। बेंटन, दूर खड़े रहना, वीडियो फीड देखो जल्दी। वीडियो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। उनके पास इंफ्रारेड है? तुम्हारे पास इंफ्रारेड है? इंफ्रारेड से देखो। पीछे पीछे बॉर्डर, गोली चलाओ। मैट, मैट, एक आदमी घायल हुआ, एक आदमी घायल हुआ है। उनके पीछे जाने की इजाजत दीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, सब बॉय रुको, बेंटन पीछे हटो। हाउसम, उठो हाउसम। हेलीकॉप्टर तैयार कर। पीछे हटो, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ट्रेन पे चढ़ो, चल रही। चलो ट्रेन पे चढ़ो, चल रही। टनल शुरू करो, अभी शुरू करो। हमें
सब क्या था? तुमने कहा था कि सिर्फ एक है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने कहा था सिर्फ एक है, सिर्फ एक। उन्होंने केवलार जैकेट कैसे काट दिया? कीड़ों का सलाइवा किसी भी चीज का आदि हो सकता है, इसी तरह तो वो जिंदा रहते हैं। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। मैंने मुझे बताओ हमारे पास गोला बारूद और हथियार कितने हैं? जाओ चेक करो। बर्गस्ट्रीम ट्रेन का चप्पा चप्पा छान मारो। बर्गस्ट्रीम जाओ, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हमें देखना होगा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। सुनो, हमें बाहर वालों से संपर्क करना होगा, क्या ये हो सकता है? हाँ मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो अब क्या, हम वापस कैसे जाएंगे? हम वापस नहीं जा सकते, सुरंग बंद है। तो अब हमारा क्या होगा? पता नहीं, लेकिन मैं पता कर लूंगा। एमिली चलो मेरे साथ। हम बाहर कैसे निकलेंगे? उसकी फिक्र बाद में करना। धमाके से ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा होगा, शायद टूट भी गए हो। तो इसका मतलब हम 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे। इतना ही नहीं, सारी पावर खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये ट्रेन अपने फ्यूल सेल पर चल रही है। ये ऑक्सीजन वार्निंग है, यानी धमाके की वजह से वेंटिलेशन सिस्टम खराब हुआ होगा। कितनी हवा बची है यहाँ पे? कह नहीं सकते, वो तो आग के जलने पर है। अगर वो जलती रही तो एक घंटे के अंदर सारी हवा खा जाएगी। और कोई रास्ता है? वैसे जाने का एक ही रास्ता है। यहां से 8 मील दूर एक बाईपास रूट है जो T-48 पर है, जो माउंट एरी के पास एक पुराने स्टेजिंग सप्लाई यार्ड की ओर जाता है। वहां पहुंचने में कितनी देर है? स्पीड से 40 मिनट। पर ये ट्रैक बाईपास की तरफ नहीं जाएगा, हमने आज ही उसका रुख बदल दिया था ताकि सबको सुरंग के अंत तक ले जा सके। क्या अंत था उनका? उसे फिर बदल सकते हो? वैसे तो मैं यहां से कर पाता था, पर संपर्क बंद है। तो अब हमें T-38 पर रुककर वहां का कंप्यूटर इस्तेमाल करना होगा। वहां रेडियो होगा? हाँ है, और फोन भी, पर चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो T-38 चलते हैं। पर तुम्हारे आदमियों का क्या? क्या मतलब? मतलब उनके शवों का क्या? कोई शव नहीं है, कोई आदमी नहीं है, सब गए। आगे भी कीड़े हो सकते हैं क्या? वहां जितने कीड़े थे उससे लगता है कि हमने उनके बिल पर हमला किया था। मुझे लगता है कि वो वहां पर पानी के लिए बसे होंगे। कौन सा पानी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उससे पानी बनता है ना? हाँ, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिजली और पानी में बदलता है। अक्सर वो पंप से बाहर छोड़ा जाता है, पर पेट्रोनोविच ने ड्रेनेज सिस्टम में पैसे बर्बाद नहीं किए, इसलिए उसे पत्थर में ही सोखने के लिए छोड़ दिया गया। और पानी सिर्फ उसी जगह है? हाँ। अगर ये सही है तो जितने हमने पीछे छोड़े हैं उतने ही कीड़े होंगे यहाँ। लगता तो है, लेकिन जब तक उसे देखूंगी नहीं कुछ कह नहीं सकती। तुम पता कर सकती हो कि ये यहाँ आए कैसे, जीते किस पर है, और इन्हें मार कैसे सकते हैं? हाँ देखती हूँ। ठीक है, देखो रेनल्स, हमें T-38 ले चलो, बाकी मैं संभालता हूँ। गासिया, कुछ संपर्क हुआ? नहीं अब तक नहीं। एमिली, कुछ पता चला इसके बारे में? हाँ, ये काफी पुराना है, एकदम प्राचीन। जुड़े हुए पैर, विभाजित शरीर, सख्त बाहरी कवच, ऐसा तो मैंने पहले कुछ नहीं देखा। आसान भाषा में बताओ। देखो, इसकी आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसका मतलब दिन की रोशनी में ये आसानी से जी नहीं पाएंगे, ये अंधे हो जाएंगे। पर ये हथियार से लैस है। ये पंजे देख रहे हो, किसी तेज उस्तरे की तरह है, एक छुरी के आकार के हैं, सिर्फ ये 10 इंच लंबे हैं। और अब इसे देखो। ये क्या है? अविकसित कांटे। ये पैदाइशी शिकारी हैं, और ये बस अभी पैदा हुए हैं। हम T-38 पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या कहा, ये बच्चे? हाँ, उनकी दुनिया में
लोकस्ट हर 7 साल में निकलते हैं और ये कुछ लाखों साल बाद। यकीन नहीं होता। कुछ जीव लंबे अरसे तक सुप्त स्थिति में रह सकते हैं, पानी की कमी की वजह से एक गहरी नींद में। तुम्हारे पास बचपन में वो समुद्री बंदर नहीं था? तुम्हारा मतलब वो छोटे पत्थर जिन पर पानी छिड़को तो वो तैरने लगते हैं? बिल्कुल, वो सालों तक एक डिब्बे में भी रह सकते हैं, बस पानी छिड़को और वो जिंदा। जिससे इनके पानी के नजदीक रहने की वजह साफ होती है। पर वो इस पहाड़ के नीचे पहुंचे ही कैसे? शायद किसी नैसर्गिक आपत्ति से, जैसे उल्काओं का धरती से टकराना। हो सकता है। तो ये कीड़े लाखों साल बाद जागते हैं गुस्से में और भूखे। हाँ, पर हम उनका खाना है। तो वो जागे किस वजह से? शायद इस सुरंग की वजह से। रेनल्स, हाँ, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, जब हम सुरंग का एक हिस्सा तोड़ रहे थे तो वहां आयरन फेराइट मिला। उसे तोड़ने में 3 ड्रिल टूट गए, पर जब वो टूटा तो नीचे कुछ फॉसिल मिले। और तुमने किसी को बताया नहीं? बिल्कुल बताया। फिर क्या हुआ? काम बंद करके ये सब खोदकर बाहर निकलना चाहिए था। पैसों का खेल। ये तुम क्या कह रहे हो? पैसे खिलाए गए इतने कि जब परमिट देने का वक्त आया तो सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। पेट्रोनोविच, वो आदमी ये मामला पैसे खिलाकर नहीं सुलझा सकता। T-38 और कितनी दूर है? 5 मिनट। तो तैयार रहो टीम, ज्यादा वक्त नहीं है। तो प्लान ऐसा है, एमिली, बर्गस्टीन और रेनॉल्ड्स तुम मेरे साथ आओगे, कासिया और मैनिंग ट्रेन के पास रहोगे, अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। यस सर। बाहर से संपर्क करने और ट्रैक को बदलने पे गौर करते हैं, ठीक है? उम्मीद है धमाकों से कंप्यूटर्स बंद नहीं हुए होंगे। इतनी दूर असर हो सकता है? कहना मुश्किल है, काफी बड़ा धमाका था, पूरा सिस्टम उड़ सकता था। जानने का एक ही तरीका है, टीम निकलते हैं। क्या यही है वो? हाँ यही है, कंप्यूटर टर्मिनल्स यहीं पर है। तुम लोग यहीं रहना, जरा सी भी कुछ भी गड़बड़ लगे तो आवाज देना, हम तुरंत आ जाएंगे, ठीक है? चलो। जनरेटर कहाँ है? सीधे जाकर दाहिनी तरफ। तुम लोग यहीं रखो, मैं जाता हूँ। बक्सिंग, ध्यान रखना। फोन बंद है। हाँ, बैटरी लो है, हमें जनरेटर के लिए रुकना होगा। तो चल रहा है मगर नेटवर्क नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब मैं इसके पैरामीटर्स रीसेट करता हूँ और डिफॉल्ट ओवरराइड करता हूँ। क्यों ना हम एक दूसरा सर्वर इस्तेमाल करें। ट्रैक्स को रीसेट करने के लिए कोई भी सर्वर चलेगा। मिल गया, मुझे CDC सर्वर मिल गया। सर्वर कनेक्शन मिलते ही समझो काम हो गया। यहां पे कोई है? आ!
ये भयानक है। हाँ मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ खतरा है। हमें निकलना होगा, लेकिन बर्गस्टीन ये मर चुका है। चलो जल्दी चलो, हमें निकलना है। जल्दी करो, जल्दी चलो चलो। बक्सिंग का है, तुमने तो कहा था बच्चे बिल से दूर नहीं जाते। तो ये अलग होंगे, शायद पहरेदार होंगे। पहरेदार, बहुत खूब। बक्सटीन मर चुका है और तुम अब भी तुक्का लगा रही हो। देखो मैं भी अंधेरे में हूँ। 650 लाख साल पुरानी प्रजाति को समझना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, पर ये जानना तो आसान है ना कि हम सब मरने वाले हैं। गार्सिया, कुछ ज्यादा बोल रहे हो। छह सौ पचास लाख साल पुरानी? हाँ, कार्बोनिफेरस के वक्त से। ये आखिरी वक्त था जब कीड़ों के कवच में अविकसित कांटे होते थे। आसान भाषा में समझाओ। पंख, तुम्हारा मतलब ये उड़ सकते हैं? अब तक तो वो उस मुकाम तक पहुंचे नहीं है, पर उनमें वो काबिलियत जरूर है। कोई और खुशखबरी सुनानी है तो वो भी अभी सुना दो। लेकिन उड़ने में खास बात क्या है? वो 20 मील प्रति घंटा दौड़ते हैं। पीछे नजर रखो, जो भी देखे उसे शूट कर दो। क्या बात है, हम रुक क्यों गए? कंप्यूटर ओवरराइड नहीं चला। तो अब हम क्या करें? अब हमें मैन्युअली ट्रैक बदलना होगा। एक स्विच की वहां आगे ही है। ठीक है तो चलते हैं। गार्सिया, तुम और मैनिंग यहीं पर रहो। ट्रेन के पीछे 20 यार्ड का सुरक्षा कवच बनाओ, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करो, ठीक है? चलो एमिली, तुम ट्रेन में ही रहना। हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, दो लोग की घुमाने के लिए और तीसरा टॉर्च पकड़ने के लिए। उससे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है तो चलते हैं, गुड लक। तो इस की के बारे में बताओ। ये सुरक्षा का बंदोबस्त है ताकि कोई एक आदमी इसमें छेड़छाड़ करके कोई हादसा ना करवा सके। अगर वो आ जाए तो उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब उन कीड़ों को मौजा चखाते हैं। और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं होगा। ये लो। तो शायद वो इसी मोड़ पर होगा। पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं, रुको रुको रुको, वो मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। तुम्हें कैसे पता?
उन पर रोशनी डाल रहे हैं फिर भी बिल्कुल हिल नहीं रहे। लगता है काफी समय से मरे हुए हैं। उम्मीद है तुम सही हो, पर कैसे? गर्मी से या पानी की कमी से? शायद दोनों। कहां जा रहे हो? उसे यहां लाने। लगता है ये विकसित हो रहे हैं। याद है मैंने कहा था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें विकसित होना पड़ता है। वो लगभग कामयाब हो गए। मजाक कर रहे हो? वो कीड़े इसे आसानी से खा लेंगे। और बिजली का झटका लगे तो? एमिली, वो वाला अलग दिख रहा है। अब क्या हुआ? ये विकसित हो गया। जैसे एक सांप अपनी खाल छोड़ता है। हाँ, जैसे एक कीड़ा तितली बन जाता है। जैसे नरक की तितली। इसे यहां से जल्दी से और चुपचाप बाहर निकालते हैं। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसे ही पकड़ो। ठीक है। हाँ, मैं ये पकड़ता हूं, तुम इसके नीचे जाओ। तेरी की चाबी गिर गई। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गलती से मेरा पैर लग गया शायद। आई एम सॉरी। सॉरी, वो मर चुके हैं, देखो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलो इसे यहां से बाहर निकालते हैं। उठाओ इसे, चलो। जरा देखो ट्रेन से तीसरे रेल में करंट छोड़ सकते हो या नहीं। हाँ देखता हूँ, तुम आंखें खुली रखना। ठीक है। सुनिए बॉस। हाँ। मैनिंग और मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया है और हम सोच रहे हैं कि तीसरे रेल में करंट छोड़े तो वो कीड़ों को कुछ देर तक रोक सकता है। ये गार्सिया है? हाँ। गार्सिया, वो ऑक्सिलरी स्विच मॉनिटर की बाईं तरफ है, पर उसे ऑन मत करना जब तक हम ट्रैक बदल ना लें, वरना हम तीनों जल जाएंगे। समझ गए? हाँ समझ गया। बढ़िया, हम तुम्हें बताएंगे, बस एक मिनट रुको। गार्सिया, यहाँ कुछ है, 100 मीटर पर। जल्दी करो, कीड़े आ रहे हैं। ये हिल क्यों नहीं रहा? लगता है कहीं फंस गया है। अब 50 मीटर पर, क्या जरा जल्दी कर सकते हो? चलो। शायद सर्वो यूनिट की वजह से। 20 मीटर, 10 मीटर। दोस्तों जल्दी करो, वरना वो कीड़े अंदर आ जाएंगे। बस 10 सेकंड। नहीं है 10 सेकंड। टॉर्च पकड़ो, जल्दी करो। हाँ, हो गया। ओके, ऑन कर दो। काम कर रहा है, जल्दी करो, और गोलियां लाओ।
दार्सिया, उसे हाथ मत लगाओ। दार्सिया, हमें जाना होगा, हमें जाना होगा, हमें जाना होगा, चलो। दर्द होगा, मुझे सबके लिए दुख है घर से। अच्छा, अगर हमारी जरूरत हो तो हम आगे हैं। कैसा है वो? शरीर से तो ठीक है, लेकिन दिमाग से कैसा है पता नहीं। उसमें बहुत हिम्मत है। उतना काफी नहीं होता ना? तो कैसे चल रहा है? हम घर जा रहे हैं। स्टेजिंग एरिया के बारे में बताओ। वो एक बड़ी सी जगह है और लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि वेस्ट साइड टर्मिनल बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकते, इन्हें यही खत्म करना होगा। क्या सोचा है तुमने? मैं सोच रहा था यहाँ भी पहले जैसा धमाका करें, लेकिन 15% पूरे सुरंग के लिए काफी नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद, एजेंट पॉलक, आज का दिन आपके लिए लकी है। हम स्टेजिंग एरिया में ही धमाके का सामान रखते हैं और वहीं पर हमें मिलेगा डायनामाइट, फ्यूज और ब्लास्टिंग कैप भी, जो तुम्हें चाहिए। तो क्या कहते हो, डायनामाइट को इस ट्रेन के फ्यूल सेल से जोड़कर तुम्हारे पिछले 5 साल की मेहनत को हम यूं ही आग लगा दें? ठीक है, पर इतना याद रखना, हमारी दूसरी दुनिया के दोस्तों से मिलने के लिए, इसे वापस भेजने के लिए इसे चाहिए होगा पावर, यानी बिजली, वही बिजली जो इस वक्त वो सुरक्षा कवच इस फ्यूल सेल से ले रहा है। इसके लिए हमारे पास होंगे 10 मिनट स्टेजिंग एरिया पे, जिसके बाद बिजली काटनी पड़ेगी, वरना ट्रेन को वापस नहीं भेज पाएंगे। कीड़े उसके बाहर पहुंच जाएंगे। हाँ बेशक, वैसे वो कितनी तेज चलते हैं, तो हमें मिलेंगे 15 मिनट जब तक वो हमारे करीब पहुंचे। तो अगर हम इस ट्रेन को डायनामाइट से भर दें और उसे छोड़ दें, और जब आधे रास्ते में ही ट्रेन कीड़ों से मिले, तब बूम, हम भी काफी दूर होंगे उस धमाके से। हाँ, प्लान तो अच्छा है, पर वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? हम टर्मिनल के नॉर्थ एंड से निकलेंगे, वहां एक सीढ़ी है जो मेडिवेक हेलीपैड की तरफ जाती है, वहां से निकल जाएंगे। गार्सिया, क्या हुआ? वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है, क्या कह रहे हो? वो वहां देखो, परछाइयों के पीछे घात लगाए बैठे हमारे लिए। अगर वो कीड़े हमारे इतने नजदीक होते तो हमें दिख जाते हैं। वो वही है, मैं महसूस कर सकता हूं। तुम सही थे रेनल्स, ये जगह तो एक कब्र है। बिजली का बॉक्स रास्ते में है, इस जगह का अपना फ्यूज और जनरेटर है। ठीक है, यहां से सामान उठाओ और भागो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फिर सुरक्षा कवच निकल जाएगा, हम ट्रेन को भेजेंगे और यहां से जान छुड़ाएंगे। ठीक है, रेडी सेट गो, से हमें जाना होगा। नहीं 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 नहीं, वो एसिड है। तुम लोग जाओ, मैं यही रुककर अपने दोस्तों का स्वागत करता हूं। ठीक है, हम तुरंत लौटेंगे, सामान ट्रेन में भरने में मदद करोगे? हाँ ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे उनका इंतजार है। चलो। मैं
इसका दिमाग खराब हो गया है। वो सदमे में, फिक्र मत करो। वो पागल हो रहा है मैट, उसकी पूरी टीम मर गई है। उसे अकेले काम करना आता है, वो अपनी सूझबूझ से काम कर रहा है। उसके जैसे लोग इसी पे जीते हैं, समझ गई? मुझे उसके लिए अभी भी उम्मीद है। अब चलो जल्दी करो। ये बॉक्स, अब वो बायां वाला बटन खींचो। अब आई है लाइफ में रोशनी। जैकपॉट। वो रहा फोन। ये चल नहीं रहा है। चलो, ये उम्मीद भी गई। एक और प्रॉब्लम है। क्या? इन भारी बक्सों को उठाने में हमारी जान निकल जाएगी। रुक जाओ, ये कैसे रहेगा? एकदम बढ़िया, इसे चला पाओगी? बहुत बढ़िया। बैटरी लो है। पांच मिनट बचे हैं। ठीक है, हो गया। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो पेट्रोनोविच का चेहरा देखने का क्या दोगी? मैं 15 करोड़ दूंगा इसे सलामत रखने के लिए। क्या बात है, तुम यहाँ आए कैसे? वहीं से जहां से तुम जाने की सोच रहे हो। मेरा हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है। दरअसल मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी। मुझे ये सब सच क्यों नहीं लग रहा है? और हमें पैसे खिलाने के बारे में सोचना भी मत, जैसा तुम अक्सर सोचते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ तब लाया था जब तुम कुछ नहीं थे। मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सुपरविजन के काम दिए। सालों से मैं तुम्हें खरीदता आया और अब तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। कितनी बार देव तुमने बेईमानी की है, वो भी मेरे कहने पर। बिजनेस में तरक्की इसी तरह होती है देव, पूरी टीम की तरक्की। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है। तुम सही काम कर रहे हो। तुम भी कर सकते हो पेट्रोनोविच। 5-5 करोड़ हर एक को। यहां से सब खुशी खुशी लौटेंगे। अच्छा, तो सब लौटेंगे? स्वॉट टीम और उस ट्रेन के लोगों का क्या? वो तो नहीं लौटेंगे। क्या उनके परिवार को भी खरीदोगे? देखो, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं एजेंट पॉलक। वैसे उन सबका ख्याल रखा जाएगा। पहले हम चारों यहां से भाग निकलेंगे और ये जगह सील कर देंगे। डॉक्टर फॉस्टर CDC से कहेंगी कि कोई झुंड ने, जंगली जीवों के झुंड ने उन लोगों पर यहां हमला किया। एजेंट पॉलक कहेंगे कि काफी तादाद में लोगों के मरने के बाद उन सारे जीवों को मार दिया गया है। मैं एक टीम को कुछ केमिकल्स के साथ यहां भेजकर उन कीड़ों का पूरी तरह सफाया कर दूंगा और हो गया। कुछ ही दिनों में यह सुरंग खुल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और एक और टीम की जान चली गई तो? उतना जोखिम उठाने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। नहीं, इसका फैसला आज होगा। कोई भी नहीं लौटेगा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। गार्सिया, इस पर नजर रखो। गार्सिया, गार्सिया, इसके लिए वक्त नहीं है। वही जो हमारे पीछे
तुम पागल हो गए हो। मैं सुन सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, पर मैं उन्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। गार्सिया, हमें ट्रेन में सामान भरना है। हम ये सुरंग उड़ाने वाले हैं और वो सुरक्षा कवच एक मिनट में नीचे आ जाएगा। डरना मत, जब तक मैं जिंदा हूं आपकी हिफाजत करूंगा, पर जब वो आएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? जब जब कौन आएगी? मौत। हिम्मत मत हारो तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। माफ कीजिए सर, मैं अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकता। मेरे आदमी उन कीड़ों को मारेंगे, तुम्हें रिसर्च के लिए सैंपल मिलेंगे, वो तुम होगी एक नई स्पीसीज को खोजने वाली। सिर्फ तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये कहीं और से मिला है। क्या तुम हमेशा से इतने बेईमान हो? मिस्टर रेनॉल्ड्स तुम्हें बताएंगे कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं काफी चैरिटीज भी करता हूँ, कई संस्थाओं को डोनेशंस देता हूँ, उनमें से एक को तो तुम भी जानती हो। लेकिन जो एक हाथ से दे सकता है वो दूसरे हाथ से ले भी सकता है। ओह सचमुच? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी को मिलने वाले डोनेशन में मेरा सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर फॉस्टर, और ये एहसान रुक भी सकता है किसी भी वक्त। ठीक है, तो अपने पैसे अपने पास ही रखो। हाँ, शायद वो तुम्हारे वकील के काम आएंगे। वो क्या था? क्या ऐसा लगा जैसे वहां पाइप के पास कुछ था? गए काम से। क्या हो रहा है यहाँ? हमें तो ट्रेन को भरकर छोड़ना है ना। हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ है। कीड़े? मैं अभी सुरंग से आया हूँ, कुछ नहीं हुआ। हमने सिर्फ एक ही देखा, पर मैट ये बिल्कुल अलग है। अलग मतलब? वो विकसित हो गया है, अब वो उड़ सकता है। एमिली, अगर ये बाहर निकला। हाँ जानती हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन। आवाज मत करो, चुप बैठो। बस क्या, मैं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। इन कीड़ों को भी खरीद कर देख लो। चुप रहो तुम दोनों। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शायद वो उड़ गया हो। हाँ, वो उड़ गया है, अब चलो। नहीं, वो कहीं नहीं गया है। नहीं, वो ठीक हमारे ऊपर है। गार्सिया ने सही कहा था। क्या कहा था? मौत आ रही है। वो हम गए कब से? शायद वो चला गया। अब क्या करें? तुम ठीक हो? फ्यूज और प्लास्टिक कैप वाला कमरा कितनी दूर है? वो सामने ही है, क्या हम वहां तक पहुंच पाए? गोली खत, हमें चलना होगा। ये तो बंद है, अब क्या करें? मेरे पास मास्टर की, इनमें से
इनमें से और मुझे दो जल्दी प्लीज। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी करो जल्दी। हाँ फ्यूज और ब्लास्टिंग कैप निकालो। गार्सिया गार्सिया सुन रहे हो, हमें तुम्हारी बंदूक की जरूरत है। यहाँ हम सामान वाले कमरे में हैं, वो डिमोलिशन रूम के ठीक सामने है। मिल गया डेटोनेटर केबल ब्लास्टिंग कैप्स। मैं गार्सिया के साथ ट्रेन भर देता हूँ, तुम दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर मदद लो। गार्सिया बौखला गया है और तुम जानते हो मैट, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बाहर जाओ और वहाँ से मदद भेजो। सुनो 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 सुनो, मैं ट्रेन भरता हूँ, मैं फ्यूल सेल को तैयार करना, टाइमर लगाना और ऑटो पायलट पे रखना जानता हूँ। तुम्हें ये सब समझाने का वक्त नहीं है। मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा रमेश कहाँ जा रहे हो? चाबी चाबी क्या तुम ठीक हो? सुनो, एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या क्या बड़ी मुसीबत? ये रानी है। रानी है तो क्या हुआ? अगर ये बाहर निकली तो और कीड़े पैदा होंगे। आज का दिन ही खराब है ना, हमें पेट्रोनोविच को हेलीकॉप्टर में जाने से रोकना होगा। हाँ, पर वो बहुत आगे निकल गया है। करो, वो सिर्फ पैसों के पीछे तेज भागता है। अच्छा रेनल्स, तुम ट्रेन में अकेले विस्फोटक भर पाओगे क्या? हाँ लगता तो है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बढ़िया, चलो उसका पीछा करते हैं। ऊपर जाओ, यहां से जाकर शायद उसे पकड़ सको, ठीक है? हाँ। गवा दिया। इधर आओ। छोड़ दो मुझे। कीड़ा, कीड़ा।
छोड़ो मुझे। मैट, मैं फंस गई हूँ। बच गया, नसीब अच्छा तेरा। जो ताकतवर है वही बचेगा। चलो। रेनॉल्ड्स, मैं यहां हूं। पेट्रोनोविच, वो नहीं बच पाया। कीड़ों को खरीद नहीं पाया। तो क्या हो रहा है? मैंने डायनामाइट भर दिया है। विस्फोटक भी लग चुके हैं। धमाके के लिए हम तैयार हैं। मैंने ज्यादा स्पीड के लिए थोड़ा सामान बाहर निकाला। अच्छा है, तुम रुके क्यों हैं? बाहर क्यों नहीं निकलते? नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। क्या? मैं अभी नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ये ऑटो ड्राइव सिस्टम है, 5% से कम पावर पे नहीं चलेगा और सिर्फ 2% बचा है, तो इसे मैं चलाऊंगा। नहीं, तुम पागल हो गया, तुम बाहर नहीं आ पाओगे। बिल्कुल आऊंगा, भरोसा रखो, क्योंकि आखिरकार ये सुरंग मैंने बनाई है। रुको, मुझे विश्वास नहीं है। तुमने कहा था कि बाहर जाने का एक ही रास्ता है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो, इतना ख्याल रखना कि वो कीड़े यहीं दफन हो। ये ठीक नहीं है। चलो भी, तुम्हें कहा था मैट, इसका फैसला आज ही होगा, इसका फैसला अभी होगा। चलो चलो, निकलो यहां से, जाओ बाहर निकलो। ऊंचे खंबे इसकी रफ्तार कम करेंगे, मगर 5 मिनट के अंदर वो यहां तक पहुंचेगा। स्मोक करते हो? हां, कभी कभी, लेकिन क्यों? रख लो, माय लकी चार्म। किसी दिन इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। थैंक्स रेनॉल्ड्स। जख्म देखने दो। नहीं, अभी नहीं, बिगड़ रहा है। अभी नहीं, नहीं, बस एक ही सेकंड लगेगा।
मैंने कहा था कि हमें भागना है। मेरे पास एक आइडिया, ठीक है? यही रुको, ठीक है? नहीं रुको, मुझ पे भरोसा रखो, यही रुको। किस्सा खत्म। बाकी के कीड़ों का क्या? रानी के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। हेलीकॉप्टर के पास चलते हैं। रेनॉल्ड्स को होना चाहिए था। हम उसे नहीं रोक सकते थे। जब वो हमें यहाँ लेके आया तभी उसका इरादा पक्का हो चुका था। उसे क्या पता था ऐसा होगा? वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। तो अब आगे क्या होगा? एक बड़ा सा रिपोर्ट और पेपर वर्क। और ये सुरंग? वो जब सीडीसी तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ेगी तो वो तुरंत यहां आएंगे ये देखने के लिए कि कोई बच तो नहीं गया। तो अब तुम फिर से सीरियल किलर को पकड़ने जाओगे? वैसे मैं छुट्टी लेने की सोच रहा था। सच में? हाँ, शायद कुछ नया सीख लूं। जैसे क्या? जैसे कि स्कीइंग। थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। तो कोई मेरी मदद कर सकेगा? हाँ शायद। ठीक है। This movie is encoded by Dr. Star.